कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक और नई जानकारी दी है। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक एस्ट्रोजेनेका के साथ मिलकर तैयार की गई उसकी वैक्सीन का असर तब ज्यादा होगा जब इसकी दो खुराक दी जाएगी। बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसी टीके के उत्पादन में लगा है और इसका सरकार वितरण कर सकती है। इससे पहले एस्ट्रोजेनेका ने वैक्सीन के ट्रायल के आखिरी चरण के बारे में जानकारी दी थी, जिसके मुताबिक वैक्सीन की एक पूरी खुराक के बाद आधी बूस्टर खुराक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है। हालांकि अभी इस खोज को पुख्ता करने के लिए कई अध्ययन करने पड़ेंगे। गुरुवार को इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारी जारी की गई। यूनिवर्सिटी ने बताया कि उसने शुरुआती चरणों के ट्रायल के दौरान दो तरह की खुराकों का परीक्षण किया। पहला एक के बाद एक दो पूरी खुराक और दूसरा एक के बाद आधी खुराक। यूनिवर्सिटी ने अपने एक बयान में कहा, वैक्सीन की दोनों खुराक को एक की तुलना में मजबूत एंटीबॉडी पैदा करते देखा गया। स्टैंडर्ड डोज सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इसमें यह भी बताया गया है कि यह वैक्सीन व्यापक एंटीबॉडी और टी सेल कार्यों को उत्तेजित करती है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।